दोस्तों आज व्हाट्सएप की एक छोटी सी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप किसी भी कॉन्टैक्ट पे यानी बिना नंबर सेव किए उस पर व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप खुला है, चैट्स पे जाएंगे तो जितने भी नंबर सेव हैं उन्हीं पे व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। अगर हमें किसी दूसरे अननोन नंबर पे सेंड करना है व्हाट्सएप तो उस नंबर को हमें सेव करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे कॉल हिस्ट्री में जाएंगे तो मेरे पास काफ़ी सारी कॉल्स ऐसी है जो अननोन नंबर से हैं। अगर उन अननोन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप सेंड करना है तो सेव करने में उनको काफ़ी टाइम लगेगा, और उस टाइम से बचने के लिए हम इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक्स यूज़ करेंगे जिसमें हमें उस नंबर को सेव नहीं करना पड़ेगा और उस नंबर पर हम इजीली व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। गूगल प्ले स्टोर से हमें एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करना है, उस ऐप के थ्रू हम इसके ऊपर व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे क्लिक टू चैट्स, एक छोटी सी ऐप होगी, इसको ओपन कर लेंगे। जैसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसको ओपन कर लेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें इसको। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे कंट्री कोड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम इंडिया में हैं तो इंडिया का 91 कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे नंबर है जिस नंबर पे हम व्हाट्सएप सेंड करना चाहते हैं उस नंबर को टाइप कर लेंगे, या हम कॉल हिस्ट्री से उसको कॉपी करके वहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप सेंड करना है, कॉपी करके हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे इसका 91 हटा देना क्योंकि 91 हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे हमारा डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप इस पर व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं इजीली। इस नंबर को हमने सेव नहीं किया, तो एक छोटी सी ट्रिक्स है जिससे आप नंबर सेव नहीं करना पड़ेगा और उस पर ईजिली व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने उस पर व्हाट्सएप सेंड करेंगे तो उस पर रिसेंट में आ जाएगा, जो भी आएगा उस पर दोबारा भी हम सेंड कर सकते हैं।